जाओ इसे। आइसक्रीम से दांत में कीड़े पड़ जाते हैं। नहीं, मुझे आइसक्रीम दे दो। हाँ हाँ मिल जाएगी दोस्त, हम तो बस इतूसा खाएंगे। बस इतूसा? तो क्या पूरी खाओगे तुम? ये कौन है? तुमने हमारे मामले में टांग अड़ाई? तुम्हारी खैर नहीं। देखो वो भाग रहा है, आज तो इसकी चटनी बना दूंगा। पर मैं तो चटनी खाता ही नहीं, कहाँ गया वो? पता होता तो पकड़ ना लेता उसे। हेलो अन्ना। आयो धीरे बोलो, इधर पुलिस घूमता अम्मा। ये टेपिन में छुपा दो, हमको पासवर्ड नहीं मालूम। पासवर्ड है टिफिन बॉक्स, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अन्ना एकदम चौकन्ना, ये डिलीवरी हम तुमको फ्री में कर देगा अम्मा। आय आय आय, कुंग फू कराटा मार मार के तेरा पराठा बना देगा मैं। आयो ब्रेक मारो जी। बच गया। अन्ना वड़ा पाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर इडली डोसा मिलेगा? इडली डोसा का पूरा टिफिन बॉक्स दे दो अन्ना, पूरा टिफिन बॉक्स। पासवर्ड है टिफिन बॉक्स। तुम क्या बोला जे? टिफिन बॉक्स, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। एक मिनट, ये लो और गायब हो जाओ यहाँ से। पर पैसे? अरे हम तुमको बोला ना फ्री में देगा। ओके थैंक यू अन्ना। ओह नो, स्कूल की घंटी बज गई। अयो आज कल का बच्चा लोग बिना सुबह शाम बस पिज्जा पिज्जा। जी बोला। मुझे मेरा टिफिन बॉक्स दे दो गन्ना। आई हम गन्ना नहीं अन्ना है। टिफिन बॉक्स। और टिफिन बॉक्स हम दे दिया। अयो गलती हो गई। टीचर समझ नहीं आया। जरा बताओगे क्या समझ नहीं आया विक्टर? मुझे वो आपका सवाल समझ नहीं आया। कौन सा सवाल? सवाल तो मैंने अभी लिखा भी नहीं है। हाँ वही, वही तो, तो क्या? अली फिर लेट आया है। नहीं मैडम, मैं तो नीचे अपनी रबर ढूंढ रहा था। तुम इंसान के बच्चे हो या मुर्गी के? इतने अंडे तो मुर्गी भी नहीं देती। तुम्हारी मार्कशीट में फेल लिखते लिखते मेरे हाथ दुख गए हैं अली, समझ रहे हो ना तुम? अब तो तुम्हें फेल होने से कोई जादू ही बचा सकता है। आई एम सॉरी मैडम। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, शर्ट लगा लो। सब कुछ लिख के आता हूँ, पता नहीं मैडम हमेशा मुझे अंडा क्यों दे देती हैं। चिल मारो अली, हाफ टाइम में पढ़ाई की बात नहीं करते, गेम खेलते हैं। तुम्हें क्या पता कि फेल होने के बाद कैसा लगता है? दूध बादाम खाया करो, उससे दिमाग तेज होता है। मेरी मम्मी रोज सुबह मुझे बादाम खिलाती है। अली को दिखा क्या? क्या हुआ? तुम उन्हें प्लीज कुछ मत बताना। अली कहाँ है? अभी तो यही था। दूध क्या? अगर पहले पता होता ये पीछे ही पड़ जाएंगे तो मैंने कभी नहीं बचाता। बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना।